घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। अब उन्हें ले जाके घाट पे खड़ा कर दिया कमलनाथ जी ने और हाथ में आरती पकड़ा दी। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि देवता पहले आरती लेते हैं, पहले शीतलीकरण होता है, फिर देवता आरती लेते हैं और उसके बाद इंसान जो आरती कर रहा वो लेता है। उन्होंने देवता से पहले आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। के घाट पे खड़ा कर दिया कमलनाथ जी ने और हाथ में आरती पकड़ा दी। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि देवता पहले आरती लेते हैं, पहले शीतलीकरण होता है, फिर देवता आरती लेते हैं और उसके बाद इंसान जो आरती कर रहा वो लेता है। उन्होंने देवता से पहले, क्योंकि वो तो देवता को मानने वाले लोग है नहीं, वो तो खुद ही स्वयंभू जो है अपनी कांग्रेस पार्टी की में पूजे जाने वाले लोग है, वो क्या दूसरे को पूजेंगे। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी है। तो मैंने अपने ऑफिस को फोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूंगी तो गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं।